68 है, 968 ये 968 करिए। 3 तारीख है, लगा भैया से 5 जोन है हमारे और 1335 बूथ है। पोलिंग पार्टीज यहाँ पे आएंगे, जैसे आप देख रहे हैं पूरे पुलिस लाइन से पांचों जोन का हमारे यहाँ से पोलिंग पार्टियों की रवानगी हो रही है। इसी प्रकार जो गंगापुर का तहसील राजा तालाब से हो रही है, तो आज वहाँ से जैसे एंट्रेंस में ड्यूटी रिसीव करने के बाद पार्टियाँ हम EVMs अपना रिसीव करेंगे, फिर बसेस का भी यहाँ जगह निर्धारित है, वहाँ बस में बैठ के अपने अपने पोलिंग पार्टीज़ के साथ अपने अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ जो है यहाँ से अपने अपने बूथ पे चले जाएंगे। संवेदनशील अति संवेदनशील बूथों के लिए क्या करना है? अति संवेदनशील प्लस और संवेदनशील बूथों पे हमने एक्स्ट्रा एक एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट, जो उस केंद्र पर एक एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट दिए हैं और ऐसे समस्त बूथों पर वीडियोग्राफी की व्यवस्था दिए हैं। और उसके साथ साथ जब बहुत एक दो महीने पहले से ही वहाँ के ऐसे एलिमेंट को चिन्हित करके उनके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई का भी हमने प्रारंभ कर दी थी, ताकि उसकी जो आवेदनशीलता के जो कारण है उस पर भी कार्रवाई हुई है। और पोलिंग के दिन वहाँ वीडियोग्राफी की निगाह रहेगी और एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट एक्स्ट्रा दे रखे हैं वहाँ पे, अतिरिक्त पुलिस बल की भी ऐसे बूथों पे तैनाती की गई है। सर बात करें नए बूथ शामिल किए गए, नए बूथ भी बन, तो नए बूथों के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है? बुजुर्गों के लिए जो चल फिर नहीं पा रहे हैं, दिव्यांग हैं, उनके लिए क्या? जैसे नए बूथ सभी बूथों पे जो AMF जो बोलते हैं अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी जो मानक है, जैसे शौचालय की व्यवस्था, रैम्प की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, ये सब हमने सुनिश्चित कराया है बहुत पहले से नगर निगम के कोऑर्डिनेशन से और अन्य संबंधित विभाग के कोऑर्डिनेशन से इसकी व्यवस्था की है। इसके अलावा जो हमारे दिव्यांग वोटर हैं, प्रत्येक केंद्र पे एक एक व्हील चेयर दे रखे हैं,
और एक वॉलंटियर को भी तैनात कर रखे हैं। उसमें ये हम लोग व्यवस्था दिए हैं कि जो पहुंच नहीं पाते हैं वो व्हील चेयर के इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके मदद के लिए वहाँ वॉलंटियर्स भी तैनात हैं। सर ड्रोन कुछ कैमरे भी? नहीं, ड्रोन सुरक्षा की दृष्टि से ऐसी ज़रूरत नहीं है, ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं है, बट आवश्यकता पड़ने पर यूज़ किया जाएगा। उस तरह का माहौल, ये तो एक इवेंट है कि सभी सरकारी अधिकारी इसमें वो लगे हैं, कहीं आवश्यकता पड़ेगी कल तो ड्रोन की यूज़ किया जाएगा। कुछ वार्डों में जो अलग वार्ड में शिफ्ट हुए हैं उस एरिया में जो वोटर्स आएंगे उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, ऐसे में नहीं? हम आपको मैं बता दूं कि ये 2 महीने से जोनल ऑफिसों में नो योर बूथ, यानी कोई भी मतदाता आके अपने बूथ कहाँ पर है इसकी जानकारी ले सकते थे। इसके अलावा डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।